दोस्तों, हमारे लद्दाख की 10% आबादी सोनम वांगचुक के आवरण अनशन के सपोर्ट में सड़कों पर है, पर इसका रीजन क्या है? हमारे जर्मन भाई के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख की सारी जमीन अपने मित्रों को बेचना चाहते हैं, और जर्मन भाई का सोर्स क्या है किसी को नहीं पता। आपको पता है तो जरूर बताना। चलिए जानते हैं सच, पॉलिटिक्स नहीं बस फैक्ट्स पर बात करते हैं। दोस्तों, लद्दाख की ज्योग्राफी देखें तो ये दोनों तरफ से चाइना और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ इतिहास में मेरे जर्मन भाई की फेवरेट पार्टी के टाइम पर एक हिस्सा चीन ले गया और दूसरा पाकिस्तान, इसलिए लद्दाख में आज एक मजबूत आर्मी और वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसलिए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर पावर सेंटर के हाथ में दी गई थी। जर्मन भाई के हिसाब से मोदी जी ये सारी ज़मीन लेकर अपने मित्रों को दान करना चाहते हैं, जिससे उनके दोस्त माइनिंग और फैक्ट्रीज लगाकर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बर्बाद कर सके और पैसा छाप सके। बट अगेन, लद्दाख की ऑफिशियल वेबसाइट पर गवर्नमेंट का विज़न देखे तो प्लान एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कार्बन न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंट और इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट जैसे मुद्दों पर फोकस है, और सोनम वांगचुक की किसी भी डिमांड को गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है। इनफैक्ट वो तो बीजेपी के मैनिफेस्ट में खुद ही लिखा है। पर किसी के आमरण अनशन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जैसी नीच हरकत क्या आपको किसी की याद दिलाती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।